मित्रों जय श्री कृष्णा, मैं नीलेश जोशी, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आज आपके सामने एक दोगला ऐसा है जो सत्ता के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करता है। उसके पिताजी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इसका नाम था दिलीप सरदेसाई। उनके पिताजी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और भारत ने जो वेस्टइंडीज के सामने 1971 में जो जीत हासिल की थी उसमें दिलीप सरदेसाई का योगदान सुनील गावस्कर के बाद सबसे ज्यादा रहा था। ये दिलीप सरदेसाई के पुत्र है राजदीप सरदेसाई। क्रिकेट खेलने के लिए गया, पिताजी का जैसा कोई हुनर नहीं था, खाली पिताजी का सरनेम था, उधर फेल हो गए। फिर मीडिया में आ गए तो अच्छे लोग को ढूंढ के उनके पास वो कला है तो उसकी गोद में बैठ गए। गोद में बैठ गए तो फेवरेट हो गए, जाने गए। मेरे को तो आज भी उनके कोई न्यूज में कोई रिसर्च जैसी चीज लगती नहीं है किसी फोकट में एलिगेशन करते। मैं आपको एक केस बताता हूं, आप खुद न्याय करिएगा कि क्या सच है क्या नहीं सच है। 2007 में राजदीप सरदेसाई एक प्रोग्राम करता है सीएनएन आईबीएन पे, वो था तभी, तो उधर वो क्लेम करता है कि सोहराबुद्दीन था जो बिहार का ये टेररिस्ट था, उसका गुजरात में एनकाउंटर हुआ था। वंजारा साहब थे, बारोट साहब थे, बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे उसके अंदर। तो इसने बोला वो तो एनकाउंटर हुआ ही नहीं, फेक एनकाउंटर है, वो तो गुनहगार था ही नहीं। हाँ, ये होने के बाद 2008 में राजदीप सरदेसाई को सोनिया गांधी पद्मश्री अवार्ड देती है। इसने तो मेरे हिसाब से तो पद्मश्री जैसा किया, मैं तो मेरी चाय भी नहीं पिलाऊं ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर 2008 में अमित शाह अरेस्ट होते हैं सोहराबुद्दीन केस में, हाँ वो फेक एनकाउंटर था ऐसा करके, उसको 3 महीने की जेल दी जाती है। हाँ, और बहुत ऑफिसर जैसे वंजारा साहब का, बरोट साहब का, बहुत बड़े बड़े दूसरे ऑफिसर में, ये दो में जो मालूम है, जानते हैं पर्सनली, मुझे तो उसकी कैरियर खराब हुई मुझे मालूम है, लेकिन कितने होंगे वो दूसरे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कितने लोगों की कैरियर खराब हो गई, किसकी वजह से हो गई? एक आदमी ने फोकट का एक नैरेटिव चला दिया कि सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर फेक था। हाँ, फिर वो सबसे ज्यादा सजा तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी को हुई कि उसको तो गुजरात में जाने का अलाउ नहीं था, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू गुजरात, उसके गुजरात के बाहर रहना पड़ा। लेकिन बाहर से आदमी है, ताकतवर आदमी है, रिसोर्सफुल आदमी है, तो जिंदगी निकाल ली कुछ भी करके। हाँ, एनीवे, फिर 2020 में राजदीप सरदेसाई इसके लिए कोर्ट में माफी मांगते हैं, दूसरे 10 अदर जर्नलिस्ट ऑल्सो, कि भाई हमने फेक रिपोर्टिंग किया था 2007 में वो सोहराबुद्दीन वाले मैटर में। बस यही हो गया, खाली माफी मांग ली। कितने लोगों के करियर बर्बाद हो गए, अमित शाह ने 3 महीना जेल में डाला। मैं तो अमित शाह की जगह होता ना तो इसके ऊपर केस कर देता, अच्छे से अच्छे लॉयर रख के उसकी जिंदगी की नानी याद दिला देता उसको मैं। लेकिन अमित शाह जी तो अमित शाह जी है, उसके अपने नेतृत्व हो गए, बहुत चालाक है, चाणक्य के बोलते हैं, तो उसके पास तो मेरे से रिसोर्सेज भी ज्यादा है, बुद्धि भी ज्यादा है, तो उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया होगा जो भी लिया होगा। राजीव सरदेसाई 2024 में ट्वीटिंग करता है कि गवर्नमेंट एजेंसियां है जैसे ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो सबका मिसयूज कर रही है बीजेपी सरकार और विरोधियों को अरेस्ट करती है उसकी कैरियर खलास करने के लिए। और दूसरा जो मीडिया है राष्ट्र के हित में जो करते हैं उसको गोदी मीडिया बोलता है और खुद को सच्चा मीडिया बोलता है। गोदी मीडिया कौन है, सच्चा मीडिया कौन है, आप जानोगे तो आपको सबको मालूम पड़ जाएंगे, बराबर है। मैं तो आज की तारीख में राजदीप सरदेसाई अगर मेरी टीवी चैनल पर आ गया तो मैं चैनल बदली कर दूंगा या बंद कर दूंगा, उसको नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, उसकी वाइफ मेरे ख्याल से टीएमसी पार्टी ज्वाइन करती है, जो टीएमसी पार्टी क्या करती है बंगाल में आपको सबको मालूम है। गरीब लोगों को जाके पूछिए, संदेश खाली की महिला को जाके पूछिए, हाँ आपको मालूम पड़ जाएगा, वो पार्टी ज्वाइन करती है और उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। तो आप लोग सोचिए, आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हाँ, ऐसे लोगों को आप सुनते भी हो, उनकी वाह-वाह भी पुकारते हो, क्या क्वालिफिकेशन है इसमें? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है चमचागिरी के सिवा। हाँ, बेस्ट चमचा हो सकता है ये आदमी किसी का, और उसकी वाइफ मिलकर क्या नेगेटिव चलाते वो जाने, भगवान जाने। ये माहिती मुझे कोई हरिहर अय्यर सुब्रमणी के पास से मिली है तो मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, मेरा रिसर्च नहीं है ये, ये हरिहर अय्यर सुब्रमणी का रिसर्च है। थैंक यू सुब्रमणी जी आपका। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप ये वीडियो को देखिए, आपका जो भी मत है मुझे बताइए, आपको कैसा लगता है। हाँ, मेरी एक कोशिश रहती है कि अगर मैं 2 लोगों को भी जगा सकूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे आज वो गाना था ना एक, आज राम जी मेरे घर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ,
तो मैं बोलता हूं आप तो जनता जनार्दन है, कृष्ण भगवान का रूप है, आप भी कुछ बताएंगे ना तो मेरा भी जनिया धनिया जीवन हो जाएगा। आपका प्रणाम, आपका धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को बताइए, और जो मेरी त्रुटियां कमियां है वो भी मुझे बताइए जोर जोर से, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव कर लूं। धन्यवाद।